गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू जेके एकेडमी। फिफ्थ क्लास मैथ पावर पॉइंट 4 मल्टीप्लाई बाय निकलम सूत्र ऑन बेस 10 10 बेस पर हमें क्या करना है, निकलम सूत्र के द्वारा क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व मल्टीप्लाई करना है। तो एक सूत्र निकलम क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं पहले, ठीक है। एक एग्जांपल करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड होता है वो निकलम के द्वारा। लेकिन हमके द्वारा एक मेथड है जो मल्टीप्लाई में हमारे काम आता है, ठीक है। हम बात करते हैं 11 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। एग्जांपल है हमारा 11 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। उसने बताया 10 बेस पर, कितने बेस पर, 10 बेस पर, ठीक है। तो यहाँ एक तो हमने पहले इससे फर्स्ट लास्ट वाली एक्सरसाइज थी उसमें डिवीजन निकालना सीखा था, ठीक है। डिवीजन कैसे निकालते थे, जो बेस होता था बेस में से क्या जो नंबर होता है उसको क्या करते हैं, बेस से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। नंबर को बेस से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या होता है, डिवीजन आता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक तो नंबर और यहाँ लिखेंगे डिवीजन, ठीक है। नंबर और डिवीजन, नंबर कितने हैं, 11 और 15, तो नंबर है डिवीजन निकालना, 11 का डिवीजन निकालोगे तो क्या करोगे, 11 माइनस बेस कितना है 10, तो कितना होगा प्लस 1, तो ये 1 लिखते हैं। जब 15 का डिवीजन निकालोगे तो 15 माइनस 10 इक्वल टू कितना होगा 5, तो ये हो गया हमारा 5, दोनों किसके हैं प्लस के, ठीक है। एक लाइन लीजिए, ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं, अब फर्स्ट में इन दोनों का या इन दोनों का एडिशन यहाँ ऐड करें, ठीक है। तो 11 प्लस 5 17, 15 प्लस सॉरी 16, 11 प्लस 5 कितने हुआ 16, 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, दोनों का सेम आएगा तो ये 16। अब देखो 5 प्लस 1, 5 इस तरफ पे क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, या तो इन दोनों का या इन दोनों का ऐड है, यहाँ राइट करना है, ऐड करना यहाँ राइट करना है, और यहाँ क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 5, कितना होगा 5, 1 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब देखो ये 16 ये 5, ठीक है। बेस कितना है 10, 10 की कितने जीरो है 10, तो यहाँ से 1 डिजिट तो यहाँ रखेंगे, और जो अगर इसकी एक्स्ट्रा कोई डिजिट बचती है तो वो यहाँ इधर कैरी में चली जाएगी, ठीक है। तो 5 हमारे पास एक डिजिट है, 5 रख दिया, और यहाँ कितना है 60, तो हमारा 165 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, सूत्र निकलम समझ में आया, इस प्रकार हम क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। डिवीजन निकालना सीखा था, डिवीजन निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर माइनस बेस, बेस को किस से सबट्रैक्शन कर देते हैं, नंबर से, नंबर में से क्या निकाल देते हैं, बेस निकाल देते हैं, तो क्या डिवीजन मिलता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। रेस्टर तो पहले तो यहां लिखेंगे नंबर और यहां लिखेंगे डिवीजन, ठीक है। नंबर कितना है 12, और हमारा बेस कितना दे रखा है, बेस दे रखा है वो कितना 10, ठीक। नंबर कितना है 12 और 9, ठीक है। डिवीजन निकालो 12 का डिवीजन, डिवीजन कैसे निकालते हैं, नंबर माइनस बेस इक्वल टू डिवीजन, ठीक है। नंबर कितना है 12 माइनस कितना करना है 10, कितना आएगा प्लस के 2, क्या आएगा डिवीजन, तो यहां मैंने लिख दिया प्लस 2। सेकंड 9 का निकालना है, तो नंबर 9 माइनस 10 इक्वल टू डी, माइनस 1 इक्वल टू डी, ठीक है। तो इसका डिवीजन कितना है माइनस 1, ये एरो। अब देखो इन दोनों का
यहाँ क्या करना है, इन दोनों का ऐड या इन दोनों का ऐड, 9 + 2 = 11, 12 - 1 = 11, तो यहाँ आएगा 11, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 - -1, ठीक है। अब आगे देखो, 11 + 2 - -2 आ जाएंगे। अब देखो ये माइनस के 2 है, जब माइनस के 2 हो तो यहाँ डिजिट माइनस में नहीं रहते हैं, तो यहाँ से 1 क्या लेंगे, बोरो लेंगे, तो यहाँ कितना रह जाएगा, 10। 11 में से 1 बोरो निकल जाएगा, 10 रह जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा, फिर 10 के सेम माइनस होगा 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर 10 आएगा और इधर आएगा 8, और डिजिट कितनी लेनी है, केवल 1, क्योंकि क्या है डिजिट बेस कितना हमारा 10, 10 में कितनी 0 है, ओनली 1, तो 1 डिजिट लेंगे, तो 1 डिजिट में 8 ही हमारा यहाँ आ जाएगा और बाकी ये 10 यहाँ, तो हमारा 108 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, 12 × 9 बेस कितना दे रखा है, 100, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके द्वारा, निकलम सूत्र के द्वारा, और बेस कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। 12 × 9 = 10, नंबर कितने दे रखे हैं, 12 और 9, बेस दे रखा है 9, 10, डिविजन निकालना है, नंबर माइनस बेस, 12 - 10 + 2, 9 - 10 - 1, ऑब्लिक लगा दिया, 12 को -1 ऐड कर दो या 9 में +2 ऐड कर दो, ठीक है, नंबर्स जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट सेम आएगा दोनों का, तो ये 11 हो गया, ऑब्लिक इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - -1, ये माइनस कर दो, माइनस के डिजिट यहाँ नहीं रखे, इसलिए यहाँ से क्या लेंगे, एक बोरो लेंगे, तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ बोरो लेंगे तो 10 आएगा, 10 - 2 आएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 10 और 8 को हम लिख सकते हैं 108, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 × 12, सेकंड क्वेश्चन, 15 × 12, 15 × क्या कोई नंबर और यहाँ डिवीजन, ठीक है, नंबर कितना है, 15 और 12, ठीक है, बेस कितना है, 10, ओके, तो पहले 15 का डिवीजन निकालो, 15 - 10, नंबर माइनस बेस इक्वल टू डिवीजन कितना आएगा, 15 - 10 = 5, किसका प्लस का, तो ये प्लस का 5, फिर इसका 12 को निकालो, 12 - 10 कितना आएगा, प्लस का 2 + 2, ठीक है। अब देखो इनको ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, क्रॉस ऐड इनका ऐड करो, क्रॉस ऐड या क्रॉस ऐड इनका, 12 + 2 = 17, 15 + 2 = 17, और 12 + 5 = 17, ओब्लिक 17, और इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 10, कितना होगा, 10, ठीक है। अब देखो यहाँ कितनी डिजिट रखनी है, बेस कितना है, 10, 10 में कितनी 0 है, 1 0, तो 1 0, तो वहाँ यहाँ 1 डिजिट रखेंगे तो केवल यहाँ 0 रहेगा। अब यहाँ से बोरो क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ प्लस में है, हमारी जो डिजिट है वो नंबर है वो प्लस में है, इस कारण से बोरो नहीं लेते हैं। अब यहाँ 2 डिजिट नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 10 बेस है, 1 0 1 है, तो यहाँ 1 नहीं रखेंगे, ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ कैरी में चला जाएगा, तो कैरी में जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा, 7 और 1 8, तो ये 8, और ये हमारा लास्ट में बचेगा 1, तो हमारा 180 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, 180 आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार बाकी के क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ आपको थर्ड करना है, फोर्थ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।